बोली रत्ना खबरदार है, अभी तो लियो, वापस लेने की जरूरत नहीं है। बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ो आयो। बोले आयो कि कर, मारी भाई सुगना ने लेवण वास्ते आयो। पोंगल गढ़रा पढ़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो। अपने फौज ने अपने सैनिकों ने आवाज लगाई, बोले रत्न ने कुएं में उल्टो लटका दो। सुगना बाई दी ननंद, सुगना बाई ने जार केवे की भाभी साहब नाम तो पतो नहीं, लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आपरे पेरसो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दियो। तब सुगना बाई दी व्यथा, सुगना बाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी। बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर कियो वेला, लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो कई कसूर कियो इन्हें जेल में। सुगना बाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा, नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला। दुनिया में कहवेला कि दुनिया में भगवान बनोड़ो फिरतो और मेरी बहन मेरे दुखरे सु कारणों मर गई। और बोली अरे भी राम हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती, थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो, पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं, वास्ते थने मारी चिंता क्यों। मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं, वास्ते थने मारी परवाह नहीं। बाकी थारी जामन जाई होती तो तू कद को ले जातो, ई दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगना भाई पुकार की, बोले वीरा भाई। मैं कोई थारे लारले जन्म रहा, कोई काला तिल चोरिया, इस जन्म में थारो कोई गुनाह कियो जी, तू दुख में प्रणा दी। बात बात पर पोंगल गढ़रा पड़ियार तानो मारे, बात बात पर थारो नाम ले मने सतावे। बोले थारो भाई रामदेव तो कामड़ियो है। बोले बीरा तू दुनिया वास्ते भगवान बन गयो और वो दुख मारे गले क्यों घाल गयो। यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो, लेकिन तू दुनिया ना कारे सारे बिरा मैं थारो कहीं गुना कियो। और अठीने मारा माता पिता री याद घनी सतावे बिरा।
पन्नालाल जी बहुत सुंदर लिखियो है कि जिस घर में माँ है वो पीहर, और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली मन को निमाने दी बीरा महारा बीरा महारा रखम देव दे भाई ने एक ले बनिया अड़गो बैरो सासिरो माता मिलवा और अंत में
जब बहन री पुकार सुनी सुगना बाई मरने वास्ते तैयार हो गया, तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सूता ने सपनो आयो। सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मैणा दे, मने खोटो सपनो आयो, मैं सुगना ने रोवती देखी हूं। अपने साथ में शक्ति रो संचय कर, शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रूणी चासु रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा। पोंगलगढ़ रे पढ़ियार रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगनाबाई ने वापस रूणी से जब ले आया, तब घर में चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्यावरी तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घर चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चोखा चोखा लगन लिखावा, लगन लिखावा मारो देवी विनायक, सुंडी सुंडाड़ो यो तो धूम धुमालो, आशा चली गिली कावो रे मारो प्यारो रे विनायक, चोखा चोखा लगन लिखावा मारो देवी विनायक, देवी विनायक मारो विरह विनायक, ओछी पिंजारो कमल गाड़ो रे कमल गाड़ो मारो गिरी दीदी नायक, ओछी रे पिंडीरो कामन कारो रे नखराड़ो रे मारो वीर दीदी नायक, चालो नी विनायक आपा जी रविये घर काला, चालो विनायक यो के सिर हियरे जासा, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो मारो देवी विनायक, चोखी चोखी बरिया मोलावा हो चालोनी विनायक आपा चूड़ी घर जाला, चालो विनायक यो पे चूड़ी घरी जावा, अरे चालोनी विनायक आपा चूड़ी घर जाला, चालोनी विनायक यो पे चूड़ी घर रे जाला, चोखा चोखा चूड़ी ला मोला मारो बीरद विनायक, बीरद विनायक मारो देव विनायक।